है दोस्तों, लगभग 99% लोगों ने जिसने भी वीडियो को क्लिक किया है, कोई तो या फिर पेट लवर होंगे या तो बर्ड लवर होंगे। आप सभी का ये मन तो ज़रूर होता होगा कि आप भी एक अफ्रीकन ग्रे पैरोट पालें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं अफ्रीकन ग्रे पैरोट के बारे में सब कुछ कवर करने वाला हूँ। इस छोटे से वीडियो में सब कुछ, उनके टेम्परेचर से लेके उनके बॉडी वेट से लेके मेडिसिन और डिजीज़ तक मैं कवर करने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ज़रा भी स्किप नहीं कीजिएगा। छोटा सा वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा ताकि आप भी एलिजिबल हो जाए एक अफ्रीकन ग्रे पैरोट अपने घर पर रखने के लिए। पहले उनके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, उनकी हाइट जो है वो ज़्यादा नहीं होती, 30 से 40 और 50 सेंटीमीटर्स तक मैक्स हो सकती है, 50 भी नहीं होती, 45 मैक्स हो सकती है। और उनका कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो उनका फेस का साइड वाइट होता है और उनकी पूरी बॉडी ग्रे होती है और टेल का थोड़ा पार्ट डीप रेड होता है। उनकी वेट की अगर हम बात करें तो उनका वेट 400 से लेकर 500 ग्राम्स तक मैक्स हो सकती है। ये बहुत ही शानदार स्वभाव के और बहुत ही हेल्दी दिखने वाले बर्ड्स होते हैं। अब दोस्तों, उनकी एडेप्टिबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये हॉट वेदर इजीली एडॉप्ट कर सकते हैं। ये 40 से लेकर 45 टेम्परेचर्स तक अपने आप को इजीली एडॉप्ट कर लेंगे। और ये मैटर करता है कि वो जो बचपन में थे और कौन से टेम्परेचर में वो छोटे से बड़े हुए, अगर वो ठंडी में रहे और अचानक से गर्मी में जाए तो थोड़ा प्रिकॉशन लेना होगा उनके लिए, और अगर ज़्यादा ठंडी हो तो भी उनके लिए थोड़ा बहुत प्रिकॉशन लेना होगा, मगर ज़्यादा गर्मी में वो लोग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। दोस्तों, इस बर्ड की अगर हम बात करें तो इनका फेवरेट फूड जो होता है वो फ्रूट्स और नट्स होते हैं। इनको हर्ड नट्स, प्लम नट्स और बहुत टाइप के नट्स खाना उनको बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। और इनके ब्रिक साइज जो है वो नट्स तोड़ने के लिए स्पेशली डिज़ाइन होते हैं। इनको हार्ड हार्ड चीज़ हर वक्त खेलने के लिए और च्यू करने के लिए चाहिए होता है, नहीं तो ये अपनी बॉडी के जो फेदर्स है उनको प्लग करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, उनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही हेल्दी होता है, इसके लिए इनका जो फेदर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है उनके बॉडी में। उनको फेदर की शाइन को बनाए रखने के लिए उनको प्लम नट जैसे, प्लम ऑयल जैसे फ्रूट्स उनको देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। उनको फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपको रेगुलर देना होगा और साथ में सीड्स और नट्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, आप बात करते हैं उनके केज के बारे में। दोस्तों, ये मीडियम साइज़ के बर्ड होते हैं तो इनके लिए केज जो है वो थोड़ा मीडियम साइज़ का ही होना प्रेफरेबल होता है। दोस्तों, उनके लिए आप एक पेयर को रखने के लिए लगभग 7 फुट का हाइट और 6 से 5 फुट का लेंथ वाला एक घर ले लो या फिर एक केज ले लो तो इनके लिए प्रेफरेबल होता है। और अगर आप एक पक्षी रखना चाहते हो तो 5 फुट हाइट और 3 से 4 फुट लेंथ वाला एक केज ले सकते हो। इनके लिए केज थोड़ा बड़ा रखना ज़रूरी है ताकि उनका हेल्थ और उनका जो प्रॉपर फेदर और उनका जो फिजिक है वो मेंटेन रहे और वो भी बहुत अच्छे से हेल्दी और स्वस्थ रहे। तो दोस्तों, आप बात करते हैं इनके डिजीज़ के बारे में। उनको बेसिकली बहुत ज़्यादा डिजीज़ नहीं आती अगर आप उनको प्रॉपरली केयर, प्रॉपरली केज सेटअप और प्रॉपर एनवायरनमेंट और प्रॉपर फूड्स में डिपेंड करवाओ तो। लगभग थोड़े बहुत आते हैं लाइक आई इन्फेक्शन और या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है कि ये अपने फेदर्स को प्लग करते हैं अपने बीक से। तो दोस्तों, उसको अवॉइड करने के लिए आपको उनको उनके केज में स्टेम्स लाइक बनाना, नीम स्टेम्स या फिर कोई हार्ड शेल्स लाइक हार्ड हार्ड फ्रूट्स आपको देना होगा लाइक कोकोनट या फिर नट्स। वो अगर वो खाए और सारा दिन च्यू करते रहे तो वो अपने फेदर्स को प्लग नहीं करेंगे। अगर आप इनको प्रॉपरली हेल्थ केयर फैसिलिटी और प्रॉपर केज सेटअप और प्रॉपर फूड दो उनको तो उनको ज़्यादातर डिजीजेस नहीं आएंगे। अब अगर हम इनकी मेडिसिन की बात करें तो बेसिकली तो उनको डिजीज़ के अनुसार मेडिसिन देना पड़ेगा, लेकिन प्रिकॉशन के लिए आपको मल्टीविटामिन्स में विमरल, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ए का जो है बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से देना होगा। विटामिन ए आप सप्लीमेंटली भी दे सकते हो या फिर विटामिन ए आप कैरोट वगैरह फ्रूट्स नट्स से भी दे सकते हो। बेसिकली तो विटामिन्स वगैरह वो लोग फ्रूट से लेते हैं। अगर आप फ्रूट्स बेसिकली हर टाइम डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स अवेलेबल ना करवा पाओ तो इन सब मिनरल्स का उनको सप्लीमेंट्री दे दो। और कैल्शियम का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप उनके केज में कैटल बोन रख सकते हो या फिर एक शेल रख सकते हो या फिर कैल्शियम का सप्लीमेंट्री भी आप दे सकते हो। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो अफ्रीकन ग्रे पैरोट की फुल इन्फॉर्मेशन के बारे में। आप आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर पेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।